नाम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आयुष चमोलिया। स्वागत करता हूं आपका एक और प्यार से व्लॉग पर। तो दोस्तों, काफ़ी दिन हो गया कोई व्लॉग नहीं आया, तो आज मैं जा रहा हूं मेला अपने दोस्तों के साथ। जैसा आपको पता है, आज मकर संक्रांति है, तो सबसे पहले आप सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हम जा रहे हैं मेला देखने, कहाँ, मवाकोट और किशनपुरी साइड से। ठीक है, डाडा मंडी हमारे पास कहीं नहीं जाना, क्योंकि अभी हम इतने बड़े हुए नहीं, पैसा खर्च नहीं कर सकते, सबसे मेन बात ना इतनी दूर जाने के लिए। तो ठीक है, तो मिलते हैं हम आपको मेले में। मेरे साथ कुछ दोस्त और आ रहे हैं, मिलाता हूँ सबसे आपको, तो बने रहे वीडियो के साथ। दोस्तों, आज का जीके का सवाल ये है कि ब्रह्मपुत्र कहाँ से ओरिजिनेट होती है और उसका क्या क्या नाम है। तो दोस्तों, ब्रह्मपुत्र इंडिया के बाहर से ओरिजिनेट होती है, ये तिब्बत में ओरिजिनेट होती है। इसका नाम है वहाँ यरलंग शांगपो। ठीक है, उसके बाद ईस्ट में बहते हुए अरुणाचल प्रदेश आती है, तो वहाँ पे इसे बोलते हैं दिहांग और सिहांग। ठीक है, उसके बाद ये साउथ वेस्ट एक शार्प टर्न लेती है, असम में आती है, असम वैली में, उस वहाँ से बोलते हैं ब्रह्मपुत्र, जो हम जनरली बोलते हैं इंडिया में। ठीक है, उसके बाद ये वहाँ में जाती है बांग्लादेश, जहाँ इसे बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं, और जमुना बोलने के बाद ये थोड़े डिस्टेंस कवर करती है, उसके बाद ये गंगा में मिल जाती है और इसका समाप्त हो जाता है रास्ता। ठीक है, और आज का जीके का सवाल आप लोगों के लिए, जो आप मेरे को बताओगे कि भारत और जो चाइना के बीच बॉर्डर है, उसको कौन सी लाइन बोलते हैं। ठीक है, और ये किस समझौते में रखा गया था, और भारत सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर किसका साथ शेयर करता है। धन्यवाद, और आंसर मेरे को जरूर चाहिए, जो आंसर देगा उसको कुछ ना कुछ गिव अवे दूंगा मैं। धन्यवाद। सब हम पहुंच चुके हैं मेले में। अर्जुन आजा, अनुराग आजा, हेलमेट डाल रहा है, हेलो तो बोल दो यार। गाइस ये देखो, शर्मा रहे यार, और यहाँ पे हमारे लक्की चौहान, वंशदीप चौहान उर्फ लक्की चौहान अंपायरिंग करते हुए। यहाँ पे की नहीं लग रही, और यहाँ पे शानदार टैकल, और यहाँ पे अब टीम पूरी आ रही है वापस। और यहाँ पे अपनी फुर्ती दिखा रहे ये भाई, अरे भाई गजब का टैकल, अरे भाई भाई गजब का टैकल भाई, बॉकलाइन से उठा उसको पूरा। कोई बात, अरे वाह, यहाँ पे गौरव भाई भी आ चुके हैं। गौरव भाई कैसे लग रहा था आज? अरे बहुत मस्त है आज तो, तुम्हारा चमोली भाई भी तुम्हारे साथ जा रहा है। हाँ, चमोली भाई, चमोली मेरा बेटा, अबे साले ब्लॉग में आए गए नहीं करना, रहेगा चिंता मत कर। आते हुए और देखो उधर छात्र ने, तो और भी खड़े अध्यक्ष भी वहाँ पे खड़े हो रहे। हाँ भाई, हाँ भाई, तो क्या चल रहा था? बढ़िया। अरे आयुष जी क्या हाल है? बढ़िया। अबे ऐसे मत कर यार। और यहाँ पे सारे छात्र ने थे इकट्ठे हो रहे कॉलेज के। हम जा रहे हैं अब किशनपुरी वाले मेले में, और मेरे साथ है गौरव भाई। हेलो, ठीक है, और पीछे सारे, अब हम चल पड़े कणाश्रम वाले रोड पे। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अब कणाश्रम में, और थोड़ी सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाते कणाश्रम के आपको। ठीक है, चले तब आ चुके हैं, हमने गाड़ी खड़ी कर दी, अब पैदल पैदल लगे हैं चलते हैं तब, है ना। और हमारी आवाज सुन के लोग पीछे देख रहे हैं, खासकर लड़के तो पीछे देख रहे हैं एकदम से। घर की तरफ लिया है। हाँ चलते तब, खुश है भाई, एक एक से दिख रही है भाई, मस्त मस्त। सही बात, सही बात, सही बात।
मैं उम्मीद करूं कि आप सब ताई बजे हुए मैं साथ दिला और यही कहला क्या हाय तेरी रुमाला गुलाबी मुखड़ी के भल छाजी रे नाखे की न थोली तेरे के भल छाजी रे नाखे की न थोली हाय तेरी रुमाला लाल लाल लहंगा में काली काली भूला जींस छोड़ी
रखना पायल घुंगर बजने त्यार घुटा मा ठुमक ठुमक जब हिटा जे तू पहाड़ी बाटो मा होके रिम पाउडर गस्ते की लेने तेरी निर्मला हट्टी की लेने चाह को होटल खोलू इतनी तनकपुर तो भाई एक बात बताओ ये तो जोश लीवे तो बहर अच्छा है और जब ये तो खूबसूरत देखो ये नानतनिया तू प्यारा डांस करू रही तो बिल्कुल टप भे मायापाध्याय जी से। अभी देखा आपने उनका प्रोग्राम कितना तगड़ा चल रहा था, कितनी तगड़ी परफॉर्मेंस दी उन्होंने। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, मिलाता हूँ उनसे, ठीक है? दो मिनट
मैं तब यार वहीं पे दो मिनट तो गाइज यहाँ पे देखिए ये उत्तराखंड की लोक गायक श्रीमती माया उपाध्याय जी तभी आपसे मिलाते हैं। मैम मैम तो जा रही है, एक मिनट आप सुन लीजिए। आप पहली बार कोटद्वार में, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके? बहुत बढ़िया। आप आपकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी मैम, मैंने खुद आगे से बनाई, पूरी रिकॉर्ड करी है। थैंक यू। ठीक है मैम, एक फोटो।